हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, लगभग 2000 के आसपास प्रश्नों वाली श्रृंखला, उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको ऊष्मा के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग वीडियो को कम प्लीज अंत तक देखेंगे, जिससे जो है आपको एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा के बारे में देखेंगे। तो हमारे पास आपको कुछ मैंने नोट्स तैयार करके लाया है आपके लिए, तो देखते हैं। ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल ताप अंतर के कारण स्थानांतरित होती है। ताप के अंतर के कारण जो है ना, ऊष्मा जो है ना, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट जो है आपको, ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है, जो आपको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल ताप के अंतर के कारण क्या हो जाती है, स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। आप लोग को पता ही है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जूल जो होता है वो आपको ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। ऊष्मा के और भी अन्य मात्रक हैं, कैलोरी, जो कुछ भी हम लोग जो है ना खाना खाते हैं। तो आपने सुना होगा कि ऊष्मा जब आपको जो है ना, गांव के रहने वाले लोगों को जो है ना 2400 कैलोरी का भोजन लेना चाहिए, जो शहरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको 2100 कैलोरी जो है ना भोजन लेना चाहिए, उस एनर्जी लेना चाहिए। तो ऊष्मा का मात्रक जो है ना, आपको कैलोरी भी है और आपको ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो आपको जूल है, ठीक है। सामान्यतः तो ऊष्मा जो है ना, देखिए आपके सामने आ ही गया, कैलोरी भी प्रयोग में लाया जाता है। और ताप जो है क्या होता है, तो ताप जो है ना ऊष्मा के प्रवाह का जो है ना दिशा का बोध कराता है, एक ऊष्मा का अवस्था होता है। ऊष्मा का जो है आपको ट्रांसफर आपको अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। आगे है हमारे पास कुछ और भी नोट्स, ठीक है। ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिसमें ऊष्मा का, अच्छा ये हम लोगों ने देख ही लिया। सेल्सियस पैमाना, ताप को मापने के लिए जो है ना विभिन्न जो है ना हम लोग जो है ना पैमाना यूज करते हैं, जिसमें सेल्सियस पैमाना है, केल्विन पैमाना है, और आपको उसके साथ फारेनहाइट पैमाना है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आपको ताप का जो सेल्सियस स्केल पे बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो है ना पानी उबलने लगता है, आपको क्वथनांक, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपको 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और बर्फ का गलनांक जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हम लोगों ने सेल्सियस पैमाने में देखा। केल्विन पैमाने में आपको जो है ना बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन होता है। इसको मैं अभी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस अभी देख लीजिए कि जो है ना गलनांक जो है ना बर्फ का कितना होता है, 273 केल्विन होता है। और आपको जल का क्वथनांक कितना हो जाता है, आपको 373 केल्विन हो जाता है। कितना हो जाता है, 373 केल्विन, और आपको ये 273 केल्विन जो है ना बर्फ का गलनांक, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो गया आपको, 273 केल्विन के बराबर, और 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो गया, 373 केल्विन के बराबर। ये फॉर्मूला के कारण है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, अब देखिएगा हम लोग उसके बाद, हाँ अब देखिए, चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना फॉर्मूला होता है के बराबर सी प्लस 273। के बराबर क्या होता है, सी प्लस 273। अब देखिएगा हम लोग को बस इतना याद होना चाहिए कि आपको जो है बर्फ का जो है गलनांक कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 0। तो यहाँ पे सी के जगह पे कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो आपको बर्फ का गलनांक जो है ना, आपको केल्विन में कितना आ गया, तो केल्विन में आपको 273 केल्विन आ गया कि नहीं आ गया, 273 केल्विन आ गया, ठीक है। अरे क्योंकि सेल्सियस की जगह पे फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर हम लोगों ने देखा सी प्लस 273 देखा, तो यहाँ पे जो है ना आपको 273 सी प्लस क्या देखा हम लोगों ने, 273। तो यहाँ पे सेल्सियस में जो है ना आपको बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम लोगों ने सी की जगह पे क्या कर दिया, 0। तो के बराबर कितना हो गया, 273 हो गया। और इस तरह से हम लोग का जो बर्फ का गलनांक हुआ है, सॉरी बर्फ का जो आपको गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना आपको बर्फ का गलनांक, या केल्विन में 273 केल्विन। अभी हम लोगों ने देखा कि जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस, अभी फॉर्मूला देखिएगा याद होना चाहिए, सी बराबर क्या होता है, सॉरी के बराबर क्या होता है, सी बराबर भी खैर निकाल सकते हैं। तो
तो के बराबर क्या होता है, सी प्लस आपको 273 होता है, के बराबर क्या होता है, सी प्लस 273 होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि सी सी के जगह पे अब जो है ना हम लोग को निकालना क्या है, बर्फ का गलनांक निकाल लिया, अब हम लोग को जल का क्वथनांक निकालना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना आपको क्या, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है आपको, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जल का क्वथनांक होता है। तो हम लोग सी के जगह पे कितना रख देंगे, क्वथनांक निकालना है तो सी के जगह पे यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो 100 प्लस 273 कितना हो जाएगा आपको, 373। तो वही आपको 373 केल्विन में क्या हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा आपको जल का क्वथनांक। सेल्सियस में अगर याद है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें क्या कर देंगे 273 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि के बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सी प्लस 273। तो उसमें जो है ना 273 में सी जोड़ देंगे, डिग्री सेल्सियस को जोड़ देंगे, तो आपको बर्फ का जो है ना आपको क्वथनांक जो है ना 273 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में 373 केल्विन कह लीजिए या सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए, बात एक ही है, वो सेल्विन केल्विन में है और यहाँ पे जो है ना आपको सेल्सियस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा, फॉर्मूला थोड़ा सा याद करते रहिएगा। ठीक है, हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो फॉरेनहाइट पैमाना है। फिर से नोट्स ही है आपके सामने, फॉरेनहाइट पैमाना जो है इस पर बर्फ का गलनांक कितना होता है, 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपको जो है ना जल का क्वथनांक 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। इसके लिए भी जो है ना आप लोग को जो है ना फॉर्मूला एक याद होना चाहिए, आपके प्रश्न में हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। सी अपॉन 5 बराबर एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एफ माइनस 32 अपॉन में क्या 9। ठीक है, ऐसे भी लोग बग याद करते हैं, जैसे भी आपको याद करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 9c बराबर आपको 5 उधर चला जाएगा, 5 इंटू एफ माइनस 32। ऐसे भी आपको लोग याद करते हैं 9c इक्वल्स टू 5f माइनस, आपको यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पता है कितना प्राप्त होता है, 160। तो जैसे भी आपको याद करना है ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है सी अपॉन 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है ना मिटा दे रहे हैं। ठीक है, सी इक्वल्स अपॉन में 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन में 9। तो अभी हम लोग को पता है कि जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो है ना बर्फ का क्या होता है, गलनांक होता है। तो इसको फॉरेनहाइट में जो है ना बर्फ का गलनांक निकालना है, तो यहाँ पे सी के जगह पे क्या रख देंगे, 0। ठीक है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 बटा समथिंग, 0 बटा कुछ भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको क्या लिख दे रहे हैं, ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये 9 जो है ना इधर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो 9 मल्टीप्लाई में गुना में आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, 0 आ जाएगा। तो ये भी आपको नीचे से भी जो है ना 9 क्या हो जाएगा आपको, खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, एफ माइनस 32 बराबर में क्या, 0। तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। तो एफ बराबर जो है ना 32 डिग्री फॉरेनहाइट आपको इस बर्फ का क्या आ गया, आपको गलनांक आ गया। बर्फ का जो है ना गलनांक कितना है, आपको लिखा ही है 32 डिग्री फॉरेनहाइट, बस चेंज कर दिया है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना आपको क्या होता है, बर्फ का गलनांक केल्विन में जो है ना 273 केल्विन होता है, वैसे ही फॉरेनहाइट में 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये ठीक है, अब हम लोग को जो है ना क्या निकालना, ए बराबर 32 जो है ना 32 डिग्री फॉरेनहाइट, ये क्या निकाल गया आपको, बर्फ का गलनांक। लेकिन अब हम लोग को जो है ना जल का क्वथनांक निकालना है, तो जल का क्वथनांक निकालने के लिए जो है ना हम लोग सेम प्रोसेस यूज करेंगे। हमारे पास जो है फिर से अब फॉर्मूला अभी जस्ट बताया हमने, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, c by 5 बराबर f minus 32 अपॉन में क्या होना चाहिए, 9। तो यहाँ पे c by 5, ठीक है, तो यहाँ पे c कितना डिग्री सेल्सियस आपको जो है ना बर्फ का जो सॉरी जल का क्वथनांक होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे c की जगह पे कितना रख देंगे, 100 रख देंगे, क्या रख देंगे, 100, और अपॉन में 5 है तो ये कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 9 से इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 मतलब 180 बराबर एफ माइनस 32 आ गया। ठीक है, तो ये माइनस का इधर 32 है तो इधर प्लस में आ जाएगा 32, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आपको दोनों को जोड़ेंगे तो 80 और 30 आपको जो है ना कितना हो जाएगा, 210 हो गया, और 212 डिग्री फॉरेनहाइट आ गया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको जल का ही क्वथनांक और जो है ना हम लोगों ने बर्फ का गलनांक देखा, लेकिन अलग अलग जो है ना ताप को मापने का पैमाना पे जो है ना अलग अलग जो है ना आपको होता है। बाकी हम लोग कह सकते हैं कि आपको 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ठीक है,
क्योंकि 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फॉरेनहाइट पे जो है ना आपको क्या हो जाता है, बर्फ का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। जल का क्वथनांक जैसे आपको जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस, आप लोग को सबको पता होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए या 212 डिग्री फॉरेनहाइट कह लीजिए, आपको बात बराबर है। ठीक है, आप लोग को ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप जो है ना सेल्सियस को जो है ना फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी तरीके से। हमारे पास अब प्रश्न स्टार्ट होता है। हमारे पास पहला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, गैस एवं द्रव में संवहन होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण जो है ना संवहन के द्वारा आपको गैस और द्रव में होता है, ठोस में संवहन प्रोसेस के द्वारा जो है ना ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। तो गैस और द्रव में आपको जो है ना ठोस गैस और द्रव में आपको ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन प्रोसेस के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है। अगर जो है ना वाष्प के द्वारा जो आपका हाथ जलता है और पानी से जो हाथ जलता है, पानी का भी टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, वाष्प का भी जो है ना आपको जो है ना टेम्परेचर कितना है आपको 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वाष्प से जब रोटी पकाते हैं हम लोग, तो रोटी से जो वाष्प से जो है ना कभी कभी हाथ जल जाया करता है, या जो हम लोग खाना पका रहे होते हैं तो वाष्प से जो हाथ जलता है उस वो वाला जो है ना जलन ज्यादा गंभीर होता है, जो वाष्प से जो हमारा हाथ जलता है वो वाला जो है ना ज्यादा गंभीर होता है। क्यों ज्यादा गंभीर होता है, क्यों? क्योंकि वाष्प के द्वारा आपको अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प के द्वारा क्या होता है आपको अधिक ऊष्मा दी जाती है, जिसके कारण आपको वाष्प के द्वारा जो जलन होता है वो ज्यादा गंभीर होता है। ठीक है, आगे हमारे पास जो है ना फिर से प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों बराबर होंगे। तो -40 पे जो है ना आपको फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, -40 डिग्री जो है ना फॉरेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, नहीं है? आप देख सकते हैं, यकीन नहीं है आप लोग देखिए बिल्कुल। सी अपॉन अभी हम लोगों ने बताया 5 = F - 32 अपॉन में क्या बताया 9। तो -40 अगर सेल्सियस की जगह पे क्या रख देंगे -40, या फॉरेनहाइट के जगह पे जो है ना -40 रख देंगे, तो आपको सेल्सियस का जो है ना किसी एक का जो है ना अगर -40 मान रखेंगे तो आपको दूसरे का मान जो है ना स्वतः जो है ना -40 आ जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे जो है ना सेल्सियस को जो है ना -40 रखते हैं, ये रहा आपको -40 कर दिया हम लोगों ने, तो फॉरेनहाइट का भी मान कितना आना चाहिए -40, क्योंकि दोनों का जो है ना आपको तापमान जो है ना -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना दोनों का तापमान एक होता है, दो फॉरेनहाइट और सेल्सियस का, तो -40 हमने रख दिया सी की जगह पे, तो 5 8 यहाँ पे माइनस का 8 है तो 8 9 72, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपको 72 आ जाएगा, बराबर F - 32। F को जो है ना उधर ही रहने देते हैं, -32 को क्या करते हैं इधर लाते हैं, तो -72 और ये माइनस है तो इधर क्या जाएगा आपको +32 = F आ गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक आ गया, तो यहाँ F बराबर क्या आ जाएगा 72 में से 32 घटाएंगे, और साइन क्या है आपको माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस साइन लगा देंगे, तो 72 में से 32 घटाने पे आपको क्या आ जाएगा -40 आ जाएगा, और इस तरह से F बराबर क्या हो जाएगा आपको -40, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस पे, -40 डिग्री तापमान पे जो है ना आपको सेल्सियस और फॉरेनहाइट का जो है ना आपको पाठ्यांक बराबर होता है, दोनों आपको -40 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो है ना फॉरेनहाइट और जो है ना सेल्सियस दोनों समान तापमान शो करते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का तापमान कितना होता है आपको 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस, हम लोग जो है ना 98-98 डिग्री जो है ना सेल्सियस नहीं होता है, वो फॉरेनहाइट में जो है ना स्वस्थ मनुष्य का तापमान लगभग 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, कितना होता है तो 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, जो हम लोग जो है ना मापते हैं जो टेम्परेचर वो थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं, तो वो आपको 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, 98 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। तो आपको जो है ना हम लोग एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो है ना सेल्सियस में 37 डिग्री होता है और फॉरेनहाइट में जो है ना आपको 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, तो इसको लगभग जो है ना आप उस फॉर्मूले से करिएगा, तो फॉरेनहाइट में C/5 बराबर F - 32 / में जो है ना आपको क्या 9, तो यहाँ पे फॉरेनहाइट को क्या रखिएगा 98
तो आपको सेल्सियस का वैल्यू जो है ना लगभग 37 डिग्री के आसपास आएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, सेल्सियस में 37 डिग्री और फॉरेनहाइट में लगभग 98 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, आगे हम लोग जो है ना बात करते हैं केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप। तो केल्विन में जो है ना आपको सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या देखा आपको कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है ना आपको स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है, स्वस्थ मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन में पूछ रहा है। तो केल्विन बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा C प्लस क्या होता है 273 और C बराबर हमारे पास कितना है मतलब सेल्सियस में जो है मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, तो C की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 37 प्लस 273, तो 37 और 273 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो आप लोग ऐड कर ही सकते हैं 310 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपको 310 केल्विन जो है ना आपको मनुष्य का मानव शरीर का टेम्परेचर होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो है ना आपको के बराबर सी प्लस क्या होता है 273, तो हमारे पास मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होगा। इसमें केल्विन में हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि देखिए ना कहीं पर 37 डिग्री सेल्सियस है क्या, 37 डिग्री सेल्सियस कहीं भी नहीं ऑप्शन में है, 98 डिग्री फॉरेनहाइट भी नहीं है, तो आपको जो है ना केल्विन में 310 केल्विन होगा, ये हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ आपको, मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, आपको सेल्सियस में 98 डिग्री के आसपास 98.6 98.4 जो कुछ भी आपको देगा 98 डिग्री फॉरेनहाइट, और आपको केल्विन में 310 केल्विन, ये जो है ना आपको तीनों मनुष्य के जो है ना स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम है। देखिए हमारे पास आ ही गया मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 है, तो सेल्सियस में आपको कितना होगा 37 के इर्द गिर्द कौन सा ऑप्शन है, 37 बस ऑप्शन बी है। अरे 32 होगा क्या, नहीं प्रोफेसर 37 के आसपास तो 35 होगा, नहीं 37 के नजदीक कौन है 36 है ना, तो आपको जो है ना सिंपल सी बात है 98 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री फॉरेनहाइट जो है ना आपको मनुष्य के शरीर का तापमान होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का, तो आपको जो है ना इसको सेल्सियस में बताना है, तो 37 के सबसे नजदीक आपको ये ऑप्शन था। फिर से आपको सेम क्वेश्चन है, शायद नहीं अलग है, फॉरेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फॉरेनहाइट है, इसका सेल्सियस में क्या मान होगा। तो अब इसके लिए जो है ना फॉर्मूला से बार बार मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो है आपको याद हो जाए, C अपॉन 5 बराबर F माइनस 32 अपॉन में क्या होता है 9 होता है। आपको फॉरेनहाइट में कितना दिया है 200, फॉरेनहाइट मतलब यहाँ F के जगह पे हम लोग कितना रख देंगे 200 रख देंगे, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपको बाकी जो है ना सेल्सियस में आपको वैल्यू C का वैल्यू जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, फॉरेनहाइट में जो है ना 200 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C अपॉन 5 बराबर क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 32, तो 200 में से 30 घटेगा, घटाने का भी जो है ना जल्दी जल्दी जो है ना ट्रिक सीख लीजिए, ऐसे नहीं 32 घटाएंगे, 200 में से 30 घटेगा तो 170, 170 में 2 और घटाना है मतलब 168 क्या 168 और ये बट्टा में 9 और इंटू में ये जो है ना आपको क्या है 5, तो इधर डिवाइड में है तो इधर इंटू में चला जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको कौन सा उत्तर आ जाएगा 93 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स आ जाएगा, इसको आप लोग जो है ना कर लीजिएगा गुणा भाग, तो ये जो है ना आपको 93 डिग्री सेल्सियस जो है ना आपको फॉरेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, सेल्सियस में आ जाएगा, 200 डिग्री फॉरेनहाइट किसके बराबर आ जाएगा आपको 93 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। 40 डिग्री फॉरेनहाइट का मान जो है ना आपको क्या होता है, अगर -40 डिग्री सेल्सियस रहता तो हम लोग सीधे क्या लगा देते -40 डिग्री फॉरेनहाइट, क्योंकि -40 डिग्री जो है ना आपको पाठ्यांक पे जब शो करता है टेम्परेचर, तो -40 डिग्री फॉरेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ -40 नहीं है, अगर -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हम लोग क्या नहीं लिख सकते हैं क्या -40 डिग्री फॉरेनहाइट, अभी हम लोगों ने देखा ही कि -40 डिग्री पे आपको दोनों समान तापमान शो करते हैं। हम लोगों ने देखा 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में, ठीक है, तो फॉरेनहाइट, अब हम लोग को फिर से सेम फॉर्मूला C अपॉन 5 बराबर F माइनस 32 अपॉन में क्या 9, तो हम लोग को जो है ना C आपको क्या दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना C की जगह पे क्या रख देंगे 40, ठीक है, तो 5 से कितना बार में 8 बार में, तो 8 नवा क्या हो जाएगा 72 क्या हो जाएगा, तो F माइनस यहाँ पे क्या है 32, तो यहाँ पे माइनस जो 32 है वो किधर इसमें आएगा आपको, ठीक है, प्लस में आ जाएगा, तो 72 और 32 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है इधर जो है माइनस इधर प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको 104 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू है वो 104 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर होगा।
ये सारे के सारे प्रश्न जो है ना बीपीएससी ये सब में दिया हुआ है, तो खास करके बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, बिहार एसआई और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वैसे महत्वपूर्ण है, लेकिन बीपीएससी से रिलेटेड मैं ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना आपको बीपीएससी का लेकर आता हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग, तो इसलिए ये बीपीएससी टीचर के लिए ये सब बहुत सारे, ये सब जितने भी प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा 40 डिग्री सेल्सियस को हम लोगों ने बदला फॉरेनहाइट में। ठीक है, आगे हमारे पास है परम शून्य ताप क्या होता है। परम शून्य ताप जो है वो आपको न्यूनतम संभव तापमान, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस या -273.15 डिग्री सेल्सियस, लगभग आप लोग कम से कम इतना याद रखिए, -273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है आपको। इससे न्यूनतम जो है ना आपको ताप संभव नहीं है, इसी को हिंदी में बोला जाता है परम शून्य ताप। ठीक है, इससे न्यूनतम ताप संभव नहीं है। परम शून्य ताप का जो है ना आपको मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर आपके पास -273.15 ऑप्शन आएगा तो वो भी एक ही ऑप्शन दोनों में से कोई एक रहेगा, तो देखिए आ ही गया। परम शून्य ताप वो कौन तापमान होता है जो आपको इससे जो है ना आपको नीचे संभव तापमान नहीं होता है, तो इसको जो है ना हम लोग कितना परम शून्य तापमान का कितना मान होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गर्म करने से विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण, अरे गर्म करने से कोई भी पदार्थ में क्या होगा? विस्तार होगा, एक्सपेंड होगा, उसका जो है ना आपको साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा मतलब घनत्व घटेगा, साइज बढ़ रहा है मतलब उसका डेंसिटी क्या होगा? घटेगा, तो पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। गर्म करने पे जो विस्तारित होता है कोई वस्तु, तो विस्तारित होने से उसका साइज बढ़ता है, उसका आयतन बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो है ना आयतन बढ़ेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? आपको घट जाएगा। ठीक है, थर्मोस्टेट काम क्या करता है? थर्मोस्टेट होता है, उसका काम होता है टेम्परेचर को जो है ना स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का रेफ्रिजरेटर वगैरह में भी जो है ना थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है, जो टेम्परेचर को स्थिर रखने का काम करता है। टेम्परेचर को जो है ना आपको स्थिर रखने का काम करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? तापमान को स्थिर बनाए रखना। ठीक है, थर्मोस्टेट संबंधित है। अरे थर्म जो वर्ड है ना वो आपको थर्म, ठीक है, ये आपको थर्मामीटर या जो कुछ भी थर्म आइसोथर्म जो है ना आपको एक जो है ना ये भी आपको जब पढ़ेंगे डिटेल से हम लोग अभी आएंगे उस पे शायद क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे। तो ये जो है ना थर्म वर्ड जो है ना वो टेम्परेचर से संबंधित है। तो थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? तापक्रम से। किससे संबंधित है? थर्मोस्टेट तापक्रम से संबंधित है, आपको टेम्परेचर से संबंधित है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम होता है आपको टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखना। थर्मोस्टेट को हिंदी में जो है ना देख लीजिए आप, ताप अस्थाई लिख दिया है। ये तो आपको जो है ना अगर नहीं भी है तो इस क्वेश्चन को जब आसान हम लोग जो है ना ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको हमें समझ में आ जाता है। ताप अस्थाई मतलब ऐसा उपक्रम जो तापमान को स्थिर बनाए रखने का काम करता है। ताप अस्थाई नाम ही है ताप अस्थाई, मतलब तापमान को क्या बनाता है? स्थिर, उसी को अंग्रेजी में थर्मोस्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तापमान स्थिर बनाने का जो है ना एक साधन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ताप अस्थाई कहते हैं। टेम्परेचर को जो है ना आपको स्थिर बनाए रखने का साधन है, जिसको हम लोग थर्मोस्टेट कहते हैं। रेफ्रिजरेटर में जो है ना खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? रेफ्रिजरेटर में जो खाने की जो वस्तुएं होती हैं, जो खाद्य पदार्थ होता है, उसको जो है ना ताजा बनाए रखने के तो जो आपको सुरक्षित तापमान है वो कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें कुछ वो नहीं है, याद करने का चीज है कि जो हम लोग रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ रखते हैं उसको ताजा बनाए रखने हेतु आपको जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस आपको तापमान सही तापमान है। तेज हवा वाली या रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि तेज हवा में आपको क्या होता है कि वाष्पीकरण का जो रेट होता है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज हाई, आपको जो है ना रेट ऑफ जो है ना आपको वाष्पीकरण का जो दर होता है वो हाई हो जाता है, जिसके कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। जब तेज हवाएं बहती हैं तो ओस नहीं बनता है, क्योंकि वाष्पीकरण का दर क्या होता है? तेज होता है। वाष्पीकरण का दर तेज होने के कारण आपको नहीं बनता है आपको ओस तेज हवा वाली रात्रि में। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो आपको जो हमारे घर में जो एसी लगा हुआ रहता है वो आपको
ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को जो है ना कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दाब वगैरह को नियंत्रित नहीं करता है। तो दाब तो आपको जो है ना जिस जिस में है वो ऐसे ही आपको जो है ना ऑप्शन खत्म हो जाता है। हमारे पास है जो हमारे घर में एसी जो वातानुकूलक लगा रहता है वो आर्द्रता को और तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन केवल और केवल तापमान को नहीं, तापमान के साथ साथ जो ह्यूमिडिटी होती है, जो आर्द्रता होता है उसको भी। निम्नलिखित अवस्थाओं में किससे किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो गीला कपड़ा को सूखने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई 20 डिग्री सेल्सियस आपको, और यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सी बात है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना आपको लो है, और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए इन दोनों में। और आर्द्रता क्या होना चाहिए, गीला कपड़ा को सुखाना है तो आर्द्रता नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ पे नमी की मात्रा क्या है, 100%। ये दोनों तो पहले ही ऑलरेडी काट चुके हैं, 100% जो है आर्द्रता बहुत ज्यादा है, आर्द्रता कम होना चाहिए। और यहाँ पे क्या, ये भी पहले ही हम लोग काट चुके हैं, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर इसमें क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और आर्द्रता क्या होना चाहिए, कम। तो टेम्परेचर ज्यादा तो है, इन दोनों में आर्द्रता किसमें कम है, तो यहाँ पे 100% ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे 20% ह्यूमिडिटी है, तो आपको जिसमें आर्द्रता कम होगा और आपको टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर इन दोनों में अब काटने के लिए सिंपल सी बात है, दोनों में टेम्परेचर तो समान है, लेकिन आर्द्रता जिसमें कम होगा उसमें जल्दी गीला कपड़ा सूखेगा ना, तो आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20% आर्द्रता कम होना चाहिए और टेम्परेचर आपको हाई होना चाहिए। तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन है, सबसे सही ऑप्शन है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जब बर्फ को जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक और मांक बिंदु क्या होता है? तो जब पानी में जब हम लोग क्या मिला देते हैं, NaCl साधारण नमक मिला देते हैं, तो पानी का क्वथनांक बिंदु और मांक बिंदु जो है ना, क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पानी में जो है ना नमक मिला देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, और उसका जो आपको मांक बिंदु है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो घट जाता है। पानी में हम लोग जब नमक मिलाते हैं तो आपको नमक मिलाने से आपको पानी का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो हिमांक बिंदु है, आपको हिमांक बिंदु क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पे जो है ना आपको कोई भी जो है ना लिक्विड क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है, उसको हिमांक बिंदु बोलते हैं, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और आपको जो है ना क्वथनांक क्या होता है, जिसपे जो है ना आपको वह बिंदु, जिसपे जो है ना वह टेम्परेचर, जिसपे आपको कोई जो है ना लिक्विड क्या हो जाता है, आपको बॉइल करना स्टार्ट कर देता है, वाष्प के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको क्वथनांक कहते हैं। तो आपको जब पानी में हमने नमक मिलाया, नमक मिलाने से क्या होता है, आपको जो पानी का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, और पानी का जो हिमांक है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। आगे की ओर बात करते हैं, थर्मस बोतल में जो पेय पदार्थ, थर्मस बोतल में हम लोग पानी रखते हैं, चाय रखते हैं, तो उसी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, मतलब जिस टेम्परेचर पे हम लोगों ने पानी रखा है या चाय रखा है, उसको बनाए रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? तो आपको सिल्वर का कोटिंग किया जाता है, सिल्वर का प्लेटिंग किया जाता है, सिल्वर प्लेटिंग किया जाता है। सिल्वर को हम लोग रजत परत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रजत परत। ठीक है, तो थर्मस के बोतल में जो पेय पदार्थ होता है उसको जो है ना उसी टेम्परेचर कुछ ही समय तक, ऐसा नहीं कि जो है ना साल दो साल तक रख सकते हैं, कुछ समय तक जो है ना उसी टेम्परेचर को में आपको जो है ना बनाए रखता है, और उस इसलिए उसकी दीवारों पे हम लोग जो है ना सिल्वर का जो है ना प्लेटिंग करते हैं, सिल्वर का कोटिंग करते हैं, आपको रजत परत लगाते हैं। लेकिन ये कुछ ही समय तक जो है ना आपको उसको गर्म रखता है, ठीक है, और कुछ समय बाद जो है ना क्या हो जाता है, फिर से ठंडा हो जाता है। खैर, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्यों क्यों ठंडे होते हैं भाई, क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। अरे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण जो है ना गर्मी में हम लोग इसीलिए तो व्हाइट शर्ट को जो है ना ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू ब्लैक शर्ट। ठीक है, तो ब्लैक शर्ट के कंपेयर में जो है ना व्हाइट शर्ट को हम लोग ज्यादा प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि गर्मी के दिन में जो है ना आपको मतलब जैसे प्रकाश को ये क्या कर देता है, आपको पूरा का पूरा जो है ना पूरा प्रकाश परावर्तित कर देता है, जिसके कारण जो है ना व्हाइट हम लोग को कंफर्टेबल फील होता है, ठंडा महसूस कराता है। ठीक है, पसीने का मुख्य उपयोग, पसीने का मुख्य, खैर पसीने का जो है ना
बोलते हैं कि शरीर में जो है ना विष पदार्थ निकल जाता है, जो आपको टॉक्सिक जो आपको सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो जाता है पसीना निकलने से जो है ना निकल जाता है, सही है ठीक है। लेकिन मुख्य उपयोग पूछा है तो शरीर में जो है ना आपको पसीने पसीना जब निकलता है तो वो टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को क्या करता है कंट्रोल करता है ठीक है। जैसे आप लोग जो है ना बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो हाइपोथैलमस एक ग्लैंड होता है, वो हाइपोथैलमस जो है ना टेम्परेचर को जो है ना कंट्रोल करने में, आपको टेम्परेचर को तापमान को नियंत्रित करने में जो है ना आपको हाइपोथैलमस ग्रंथि जो है ना आपको उसका काम करती है, और यहाँ पे जो है ना पसीना जो है ना शरीर का तापमान नियंत्रित करने में जो है ना पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है आपको शरीर का तापमान को नियंत्रित करने में। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा हो जाता है, तो मिट्टी के जो घड़ा होता है जो मटका होता है वो आपको वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जो है ना आपको ठंडा हो जाता है। और आपको जैसे आप लोग मिट्टी को जब जो है मिट्टी के घड़े में मटके में रखिएगा पानी, तो आप देखिएगा जब ध्यान से तो वहां पे वाष्पीकरण का वाष्प के रूप में जो है ना आपको उसके जो आपको छोटी छोटी छिद्रे होती हैं उसके थ्रू जो है ना आपको वाष्पीकरण होता है, और जिसके कारण जो है ना जो मटका के अंदर का पानी होता है घड़े के अंदर का पानी वो आपको क्या होता है ठंडा हो जाता है, तो वाष्पीकरण के कारण ठीक है। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है, अरे जब मौसम में उमस की मात्रा होती है ठीक है, उमस वाला मौसम जैसे बरसात के दिनों में जनरली ये होता है, अभी का मौसम देखने को मिल रहा होगा, तो ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है, कैसा आर्द्र ह्यूमिडिटी जो है ना उसमें जो है ना आपको मॉइस्चर का मात्रा ज्यादा होता है जब मौसम क्या होता है उमस वाला होता है, ये तो आपको इससे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना। शुष्कता दशा संबंधित, शुष्कता का मतलब क्या होता है, शुष्कता का मतलब होता है आपको वायुमंडल में आर्द्रता का जो है ना निम्न आर्द्रता, वायुमंडल में निम्न आर्द्रता। शुष्कता मतलब ये नहीं कि आपको जो है ना अधिक तापमान है बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, शुष्कता का मतलब है आपको टेम्परेचर मतलब वायुमंडल में ह्यूमिडिटी का जो है ना कमी, आपको आर्द्रता जो है ना निम्न आर्द्रता को ही क्या कहते हैं शुष्कता कहते हैं, निम्न आर्द्रता है वो क्या है मतलब शुष्कता है ठीक है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, अरे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो आपको वायुमंडलीय दाब से जो है ना आपको कुछ अधिक, हमारा जो ब्लड है अंदर का जो ब्लड प्रेशर है बीपी वो आपको वायुमंडलीय दाब से उसका जो है ना आपको दाब ज्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग जो है ना एटमोस्फेरिक प्रेशर को वायुमंडलीय दाब को जो है ना महसूस नहीं कर पाते हैं ठीक है। मतलब वो उसको क्या करता है आपको बैलेंस करता है, जो हमारे अंदर का जो बीपी है जो आपको ब्लड प्रेशर है वो रक्तदाब है जिसको रक्तचाप भी कहते हैं हिंदी में, तो वो आपको हमारे एटमोस्फेरिक प्रेशर को हमारे वायुमंडलीय दाब को नियंत्रित करता है उसको जो है, इसलिए हम लोग वायुमंडलीय दाब को नहीं महसूस कर पाते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, क्योंकि जो है ना आपको प्रेशर नाम ही है प्रेशर, तो प्रेशर मतलब उसके कारण जो है ना आपको दबाव बढ़ जाता है, और दबाव बढ़ने के कारण जो है ना क्वथनांक आपको बढ़ जाता है, दबाव प्रेशर कुकर ठीक है। प्रेशर कुकर में जो है ना खाना बनाते हैं तो जल्दी खाना इसलिए पक जाता है क्योंकि प्रेशर अधिक होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, जिसके कारण आपको खाना जल्दी पक जाता है ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो है ना खाना जल्दी पक जाता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठीक है। जब हम लोग जो है ना जैसे हमने क्या किया पानी की जो है ना आपको 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना पानी का जो है ना आयतन क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना आपको 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है और घनत्व तो बढ़ता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है आपको आयतन घटता है और घनत्व तो बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका जो है ना सीधा जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना आपको 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व तो क्या होने लगता है घटने लगता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का मैं आप लोग को बताऊं कि घनत्व अधिकतम होता है, क्या होता है आपको घनत्व अधिकतम, ये याद कर लेना चाहिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्री सेल्सियस पे विजिबल होगा आई थिंक, मैं देख लूं 1 मिनट, बिल्कुल विजिबल है घनत्व जो है ना आपको अधिकतम है कितना 4 डिग्री सेल्सियस पे ठीक
ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है पानी का। पानी की अगर मैं बात कर रहा हूं अभी, पानी क्या होता है? न्यूनतम हो, पानी का आयतन जो है ना आपको न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और घनत्व तो अधिकतम होता है। तो आप लोग को बता दूं, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना जाना है। तो 0 से जब हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं, तो आपको पानी की जो है बात करता हूं, तो पानी का आयतन क्या होता है? घटता है। पानी का आयतन क्या होता है आपको? घटता है। आयतन देखिएगा, ऐसे याद कर लीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो 0 डिग्री से हम लोग को कहां तक जाना है? 10 डिग्री सेल्सियस तक। बीच में क्या आ रहा है? 4 डिग्री। बीच में क्या आ रहा है? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान होगा आपको। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना आपको आयतन घटता। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन क्या होता है? न्यूनतम। आयतन क्या होता है? नीचे मेरे लिख रहा हूं तो आप लोग जो है ना, मान लीजिए कि आयतन जो है ना कम, और आपको जो है ना ऊपर घनत्व लिख रहा हूं, तो घनत्व क्या होता है आपको? अधिकतम। ऊपर है इसलिए अधिक मान लीजिए। 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व क्या होता है? अधिकतम। और आयतन क्या होता है? न्यूनतम। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना आयतन क्या होता है? घटता है। 0 से 4 तक पढ़ते आते हैं तो आपको जो है ना क्या हो जाता है? आयतन क्या होता है? सिंपल सी बात है, आयतन घटता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा? आयतन घटते घटते 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना आपको तापमान, उसके बाद जो है ना आपको पानी का जो है ना आयतन क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम है। उससे अब जो है ना पानी का आयतन नीचे नहीं होता है। सबसे कम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 से 10 के बीच जो है ना आयतन फिर से क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, क्योंकि 4 पे न्यूनतम है ना। तो 0 से 4 तक क्या होता है? आयतन घटता है। 0 से 4 तक जो है ना, देखिए ना, इसका आयतन क्या होगा? पहले घट रहा है, और फिर 4 पे न्यूनतम हो जाता है, और 4 पे न्यूनतम होने के बाद फिर जो है ना 4 से 4 पे, क्योंकि न्यूनतम होता है इसलिए 5, 6, 7, 8 इस पे जो है ना आपको क्या होना? बढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि न्यूनतम है 4 पे। तो फिर 4 से 10 तक इसका आयतन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। फिर तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है, और 4 पे न्यूनतम हो जाता है, और उसके बाद जो है ना आपको उसका आयतन बढ़ने लगता है, ठीक है, 4 के बाद। लेकिन यही अगर जो है ना घनत्व के बारे में, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा आपको? ये घनत्व 4 पर मैक्सिमम हो जाता है। तो पहले 4 तक क्या होगा आपको? घनत्व बढ़ेगा। घनत्व की बात कर रहा हूं अब मैं, और 4 तक इसका मैक्सिमम हो जाएगा घनत्व, और फिर जो है ना 4 के बाद जो है इसका घनत्व क्या हो जाएगा आपको? घटना शुरू कर देगा। तो आपको यही रहता कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन, पानी का जो है ना आपको आयतन की जगह पे क्या हो जाता? घनत्व हो जाता। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाता पता है आपको? इसका उत्तर हो जाता पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ऐसा हो जाता। आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। नहीं समझ पाए होंगे, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा, ठीक है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, तो उसे जमने दिया जाता है, और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। अरे सिंपल सी बात है, पानी में जो है ना, बोतल में हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया, और उसको जमने छोड़ दिया। तो जमने के बाद जो है ना बोतल इसलिए टूट जाती है कि पानी जब जमता है तो आपको जो है ना पानी फैलता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। पानी जमने पे जो है ना आपको पानी का जो है ना आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बर्फ का आयतन जो है ना बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है आपको? बॉटल टूट जाता है, ठीक है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा जो है ना पानी आपको जो है ना तैर रहा है पानी में, ठीक है, और जब पिघल जाता है तो उसका जो है ना आपको पिघलने पे पानी का लेवल उतना ही रहेगा जितना पानी का लेवल पहले था, ठीक है। पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग याद करिए, जब बर्फ में जो है ना आपको पानी, पानी में जो है ना क्या तैर रहा है? बर्फ तैर रहा है आपको ग्लास में, ठीक है, बाल्टी में, किसी भी चीज में, तो पानी का जो लेवल पहले से था वही लेवल रहेगा जब बर्फ पिघल जाएगा तब, ठीक है, उसका आयतन में कोई चेंज नहीं होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रेफ्रिजरेटर जो है ना आप लोग कमरे में जो है ना, जब बहुत ज्यादा गर्मी का जो है ना एहसास हो रहा है, तो जो है ना रेफ्रिजरेटर का जो फ्रिज का दरवाजा है उसको खोल देते हैं, ठंडक का एहसास होगा। नहीं, फ्रिज के आप, फ्रिज के अंदर आप हाथ रखेंगे तो पहले जो है ना आपको ठंडक का महसूस होगा, लेकिन जब दरवाजा खोल देंगे तो आपको जो है ना रेफ्रिजरेटर आपको कमरे का तापमान जो है ना
बढ़ा देगा थोड़ा सा जो है ना आपको कमरे का टेम्परेचर, इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो है रेफ्रिजरेटर में जो है ना अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिससे जो है ना कमरे का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं सोचिएगा कि रेफ्रिजरेटर को खोल देंगे, फ्रिज को खोल देंगे तो कमरे का तापमान जो है घट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आपको जो है ना रेफ्रिजरेटर का जो है ना कमरे में जो है ना रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे, उसके डोर को ओपन कर देंगे तो आपको कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रहा आपको रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से आपको जो है ना आपके कमरे का तापमान बढ़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को प्लीज, अरे यार